सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज हमारा विषय है मिशन बंगाल, जांच पर सवाल। संदर्भ है पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई और उस पर उठते सवाल। करोड़ों के कोयला चोरी घोटाले में सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी अर्थात ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी से तकरीबन 1.5-2 घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने अपनी पूछताछ में रुजिरा के बैंक लेन देन का विवरण मांगा। इसी तरह सोमवार को रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी पूछताछ हुई थी। सीबीआई की कार्रवाई पर इस समय विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां पर जन समर्थन नहीं मिलता है वहां पर वह ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने पक्ष में समीकरण बनाने में जुट जाती है और पश्चिम बंगाल में भी जो कुछ चल रहा है वह उसी का एक हिस्सा है। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार की दलीलों को सुनते हुए 1 मार्च को इस मसले पर सुनवाई नियत की है। एक कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल जहां जंग का मैदान बना हुआ है, ममता बनर्जी के 10 साल की किलेबंदी को ध्वस्त करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, ऐसे में सीबीआई की यह सक्रियता राजनीतिक क्षेत्रों में सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण मसला यह है, ये सारे घपले हुए तो हैं और इन घपलों पर अगर समय रहते ममता बनर्जी सरकार ने अंकुश लगाया होता तो शायद ये सीबीआई के दखल की नौबत नहीं आती। क्या कुछ इसके पीछे है? क्या केवल राजनीतिक प्रयोजन से ये सारा मामला चलाया जा रहा है या दरअसल वहां पर इतनी आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं और इसके संदर्भ में अगर सीबीआई कोशिश कर रही है असलियत का पता लगाने की तो इसके संदर्भ में आपत्तियां क्यों उठ रही हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई की सक्रियता 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बयान कि यह अपने मालिक का तोता है उसके अनुसार ही अनुसरण करने की कोशिश है या इसके इतर सुशासन के प्रति जो शासन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देश को मिलना चाहिए, उसकी कोशिश के तहत ये सारी कवायद चल रही है, इसी पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इस सक्रियता का पश्चिम बंगाल के चुनावों पर किस प्रकार का असर पड़ेगा। क्या टीएमसी को इसके कारण से सहानुभूति मिलेगी या टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाने में भाजपा को मदद मिलेगी। इस मसले पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। वर्तमान जो इस प्रकार की सियासत चल रही है इसको लेकर ही एक विचार सूत्र हमने आज इस कार्यक्रम में जोड़ा है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि युद्ध में आप केवल एक बार मारे जा सकते हैं लेकिन राजनीति में कई बार। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे, बड़े सफल प्रधानमंत्री के तौर पर माने जाते रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनके नेतृत्व को पूरी दुनिया में सराहा गया, उन्होंने यह विचार दिया और यह विचार यह बताता है कि राजनीति में इस प्रकार के खेलों के लिए आपको तैयार रहना होता है। कब आप राजनीति की मौत के शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीति में सहूलियत इस बात की है कि आपकी एक बार मौत हो भी जाए तो भी आपके जिंदा रहने और फिर से मारे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जो कुछ अभी चल रहा है इसी विचार के परिवेश में परिदृश्य में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अग्निमित्रा पॉल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जूही विश्वास हैं जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रदीप माथुर जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधायक, वह हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर पर आज जुड़े हैं। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, देश के जाने माने सौम्य पत्रकार, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अग्निमित्रा पॉल जी से करते हैं। अग्निमित्रा जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या भरोसा नहीं नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर? क्या भरोसा नहीं अमित शाह के संकल्प शक्ति पर? और क्या भरोसा नहीं कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा की संगठन क्षमता पर, जिसके चलते सीबीआई की अति सक्रियता के माध्यम से बंगाल जीतने की कोशिश की जा रही है? विपक्ष इसी नजरिए से सीबीआई की सक्रियता को देख रहा है, क्या कहेंगे आप? क्यों अचानक इतना सक्रिय जब चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए? देखिए, सीबीआई तो बीजेपी का नहीं है, सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जी। और इतना दिन तक जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था, पकड़ा नहीं जा रहा था, तब सब लोग तो यही सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ अंदर में कुछ मिलावट है कि नहीं, यू नो, हम लोग कोई मिला के कुछ कर नहीं रहे। अभी जब सीबीआई आ रहे तो अभी ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? अभी तो बंगाल के पूरा आम जनता, जनता जनार्दन बहुत खुश है जी, क्योंकि ये तो कोई बात ढकी हुई नहीं है,
कि कौन क्या चोरी किया है, रात का अंधेरे में गाड़ी कहां से कहां आता था, आसनसोल पुरुलिया बांकुरा सब कैला माइन से पैसा लेकर गाड़ी कालीघाट का कौन एड्रेस में जाता है सबको मालूम है जी। लेकिन सब वेट कर रहे थे, अभी हुआ, देर हुआ, दुरुस्त हुआ, हम लोग बहुत खुश है, लेकिन ये भरोसा तो हम लोग को होना ही चाहिए सीबीआई के ऊपर। सच एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, कानून कानून की तरह जाएगा, इसमें तो कोई ऐसा बात नहीं है कि यू नो हम लोग कुछ बोलेंगे तो उसी हिसाब से होगा, ऐसा बात नहीं है। बड़ी कमाल की बात कही अग्निमित्रा जी आपने, आपने कहा कि सबको पता था क्या हो रहा है, कब रात के अंधेरे में गाड़ियां जाती थी, किस प्रकार से चोरी हो रही थी, किस प्रकार से मसला चल रहा था। आपसे जानने में दिलचस्पी है, जब आपको पता है कि सबको पता था, यानी आप लोगों को भी पता था, भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है, तो अभी इंतजार किस बात का करते रहे? चुनाव का मौका आने दो, तभी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दरअसल कार्रवाई में दिलचस्पी कम, वोट हासिल करने में ज्यादा है, इसलिए इंतजार किया। जब पता था तो देश में सरकार आपकी है, 7 साल से मजबूत सरकार देश में आप चला रहे हैं, रोक क्यों नहीं पाए? सीबीआई किस बात का इंतजार करती रही इतने साल तक? अब जी कार्रवाई तो चलता ही रहा, हम लोग तो बीच बीच में सुनता ही रहे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एयरपोर्ट में सोना पकड़ा गया, थाईलैंड से सोना आया, इस वाइफ को पकड़ा गया सोने में, फिर उधर ये लाला बोल के जो आदमी है विनय मिश्रा उनको पकड़ा गया, कार्रवाई तो चलता ही रहे। हम लोग तो कभी बोले नहीं कि हम लोग कभी ये अस्वीकार नहीं किए कि नहीं हो रहा है कुछ, ढकने की कोशिश किए, कंप्लेन आम आदमी को मालूम है, भाजपा को भी मालूम है जी। डेफिनेटली हम बहुत सिंपल एक लोअर लेवल के कार्यकर्ता है, हमारा सीनियर लीडर्स को सब कुछ मालूम है, और जहां पर जहां बोलना था ये डेफिनेटली सबको मालूम है, तो डेफिनेटली यू नो द थिंग्स हैव गॉन टू सीबीआई हेड एंड नाउ दे हैव कम, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। जब इतना दिन से वही बात हम बोले कि इतना दिन से तक कुछ नहीं हो रहा था, तब तो सब कोई दूसरा कुछ बात बोल रहा था जी। अभी जब आए तो तब आप लोग बोल रहे कि अचानक इलेक्शन के पहले क्यों, ये तो इतने गलत बात है जी। तो आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसका इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे इलेक्शन के साथ देखने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शन अप्रभावित रहने वाला है इस पूरी कार्रवाई से? इलेक्शन में देखिए हमको नहीं लग रहा है कुछ ऐसा कोई प्रभाव होगा बोल के जी, लेकिन ये बंगाल के लोग खुश है कि जिसको हम लोग इतना दिन से बोल रहे थे कि गलत काम हो रहे, जो यू नो गवर्नमेंट का जो राजस्व वो चोरी हो जा रहे जी। ये माइनिंग का कोयला का जो सिंडिकेट चल रहा है, कोयला का जो इलीगल ट्रेड चल रहा है आसनसोल बांकुरा दूतापुर, हम आसनसोल की लड़की है जी। और वहां पर अंदर से सब खोखला कर दिया है, पूरा इलीगल माइनिंग से सब कोयला निकाल के खोखला कर दिया है, और वो सब जो ये है जो टाउन है वो किसी भी टाइम वो धस निकाल के वो गिर जा सकती है, क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं, सारा माइनिंग करके खोखला कर दिया है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री को मालूम था कि ये सब हो रहा है, उनको ही उचित था कि ये एक सवाल आपसे और करता हूँ अग्निमित्रा जी, जो आप खदानों के संदर्भ में बता रही कि खोखला कर दिया है, इसका नाम ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम उसकी यह संस्था है, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को सालों से खोखला किया जा रहा था, भारत सरकार क्या कर रही थी? क्या आप मानते हैं भारत सरकार की विफलता है कि वह अपने संस्थान के अंदर हो रही चोरी को रोक पाने में नाकाम रही? और बंगाल के लोग इस संदर्भ में जवाब मांगेंगे कि आप अपनी संस्था को नहीं बचा सके, हमारे राज्य को क्या बचाएंगे? क्या कहेंगे आप? अपनी संस्था को बचा नहीं पाए ऐसा बात नहीं है जी। ये जो हो रहा है ये इतना बड़ा एक चोरी का मामला है, इतना बड़ा है कि इसमें प्रूफ इकट्ठा करने में भी टाइम होता है जी। और वो भी यू नो समबडी इन्वॉल्व्ड हु इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ओन नेफ्यू जी। सो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि हम सोचे और जाके हमला कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है जी। They have accumulated the proof जी। And now they have thought that probably there is enough proof उसके लिए अभी वो गए हैं। तो सबूत जुटा लिए गए हैं, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। जो विश्वास जी हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं, तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जो ये आपसे जानना चाहता है कितनी परेशानी भरा है मौजूदा समय आपके लिए। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की छाया और उस छाया पर लग रहा है ग्रहण, इस तरीके के मामलों में संलिप्तता
और उसके संदर्भ में दिखाए जा रहे सबूत अपने आप को कितना घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं इस पूरे मामले में? जी, मैं पहले आपके शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये विषय आज उठाया है बंगाल के बारे में। जी, ये सबको पता है कि सीबीआई किस टाइम काम करते हैं। जी, आजकल बंगाल में सीबीआई, ईडी, आईटी सबको ओवर टाइम मिल रहा है, तो पूरा टाइम बंगाल में दे रहे हैं। ये चुनाव के टाइम है, तो ये तृणमूल के हर एक लीडर को पता था कि चुनाव जितना करीब आता रहेगा उतना ही सीबीआई का एक्टिविटीज बढ़ता जाएगा। ये कोई नया विषय नहीं है। आप अगर देश के इतिहास को अगर थोड़ा बहुत आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस जिस स्टेट में बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट नहीं था वहां पर सीबीआई को कैसे इन्होंने दुरुपयोग किया है सीबीआई का। अब अगली जी मेरी सीनियर लीडर है, दूसरे पार्टी से है, प्रवक्ता है, मैं उनकी जानकारी के लिए बोलना चाहूंगी कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो मोदी गवर्नमेंट लेड जो कमेटी है उनसे तैयार होते हैं। कौन है? गुजरात के जो कैडर बेस्ड अभी कैडर है जी, प्रवीण सिन्हा जी अभी सीबीआई का डायरेक्टर है जी। तो ठीक करते हैं खुद प्रधानमंत्री, कौन सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा प्रधानमंत्री की जो कमेटी है वो तैयार करते हैं। तो सीबीआई तो तोता हो गई ना इनके लिए। सीबीआई ये तोते का काम हर एक इलेक्शन के टाइम करता रहता है, ये कोई नया बात नहीं है। अगर आप हरियाणा का इलेक्शन देखेंगे तो वहां पर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 2019 में ये इस्तेमाल किया गया थी अब सीबीआई। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ 2019 में उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम पे इनको लगाया गया था सीबीआई को। यहाँ पर हम लोगों का कांग्रेस का जो एमपी है अहमद पटेल, इनके खिलाफ 2018 में जो राज्यसभा के वोट था उसी के टाइम ये सीबीआई का इन्होंने उपयोग किया है। फॉर्मर उत्तराखंड के जो सीएम है हरीश रावत जी, उनके खिलाफ भी 2016 में सीबीआई का रेड हुआ है। ये कोई नया इतिहास नहीं है। और आप और भी अगर देखेंगे ओपी चौथाला के खिलाफ भी 2014 में ये सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। तो ये बंगाल के जनता को तैयार करना है। मेरे ख्याल से ये जो हमारे इलेक्शन का मुद्दा है, ये डेवलपमेंट विकास के मुद्दा है, इन पे चुनाव होना चाहिए। सीबीआई दिखा के, ईडी दिखा के, डरा के, धमका के इलेक्शन लड़ा नहीं जाएगा बंगाल में। पूरे सिंपैथी यहाँ के जनता के दीदी के संग है। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने बड़ी लंबी फेरिस्त मुझे बताई कि किस किस प्रकार से किस किस विपक्ष के नेता के संदर्भ में अतीत में सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई हुई। आपसे जानने में दिलचस्पी, आपने ये सूची ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बताने की जहमत क्यों नहीं उठाई? सचेत रहते कि सीबीआई किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पकड़ती है। तो ये जो आरोप लगा है रुजिरा बनर्जी के ऊपर, अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, कि जो कोयला घोटाले का मुख्य आरोपी है अनूप माझी, उसके अकाउंट से रुजिरा जी के खाते में बड़े पैमाने पर धनराशि ट्रांसफर हुई है एविडेंस के साथ, थोड़ा सचेत रहते, एहतियात बरतते, आपको पता था सीबीआई कैसे काम कर रही है, सतर्कता क्यों नहीं बरती? नोटिस दिया गया है रुजिरा बनर्जी को और उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया है। उन्होंने सीबीआई को अपने घर में बुलाया है। अगर वो सीबीआई के पास नहीं जाती या सीबीआई को नहीं बुलाती तब हम लोग आप लोग के विषय में बात कर सकते थे। लेकिन अभी जो है कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, इसका मतलब वो दोषी प्रमाणित नहीं होते हैं। बड़ी कमाल की बात कही, मैं माफी चाहूंगा जूही जी आपको बीच में रोकने के लिए। तो फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल, इसमें एक नाम है विनय मिश्रा, तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के महासचिव है। आपने कहा रुजिरा बनर्जी को नोटिस दिया गया, रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को बुलाया, अपना बयान दिया। विनय मिश्रा को 4 बार नोटिस दिया जा चुका है, लुकआउट नोटिस भी जारी है, कहां लापता है पता नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? रुजिरा बनर्जी सामने आ गई, लेकिन उन्हीं अभिषेक बनर्जी के खास सिपहसालार, आपकी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी महासचिव विनय मिश्रा जी का अता पता नहीं है, कुछ कहना चाहेगी? जी, मैं आपको यही बोल रही थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, तो देश के जो कानून करेंगे, जरूर करेंगे। हमने तो कभी नहीं बोला कि सीबीआई को हम नहीं मानते हैं, कि सीबीआई को कॉपरेट नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के जो जिनके भी पास नोटिस गए हैं उन लोगों ने अभी तक कॉपरेट किए हैं, रुजिरा बनर्जी भी कॉपरेट किए हैं, तो आगे भी जो उनको नोटिस मिलेगा, आरोप लगेगा उनके खिलाफ, जरूर उनके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेगी। तो हम लोग पूरा कानून व्यवस्था के साथ है और पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार है। हम तो आपसे पहले ही बोल रहे हैं कि हम लोग सीबीआई को पूरा कॉपरेट करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन के टाइम है तो ये मुद्दा जानबूझ के सीबीआई को तोता के तरह यूज कर रहे हैं ताकि हमारे प्रचार में अभी थोड़ा ये विघ्न डाले, हमको जो मेंटल डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन्होंने ये करने का फैसला लिया है लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हम लोगों के जो चुनाव के प्रचार है पूरे फुल फ्लेजेड होगा और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोग घुटने टिकने वाले नहीं है, हम लोग देश के कानून व्यवस्था में हम लोगों को पूरा भरोसा है और हम लोग उसके जवाब कोर्ट में जरूर देंगे। आपके बयान जो आपने दिया, जो आपने जवाब दिया, उसमें एक तो आपने ये उत्तर अभी तक नहीं दिया कि विनय मिश्रा कहाँ है और विनय मिश्रा पेश क्यों नहीं हो रहे, जबकि आपने कहा कि हम तो सब कुछ मदद करने के लिए दिया है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि आप इधर दावा कर रहे हैं कि हम तो सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे और बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही है, ये सीबीआई क्यों आ गई है, सीबीआई को कार्य करने की जरूरत नहीं है, हम अपने स्तर पर जांच कर लेंगे, विरोधाभास है। अगर सीबीआई को सहयोग करने के लिए आप तैयार हैं, जिस पार्टी की आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, उस पार्टी की मजबूत सरकार पश्चिम बंगाल में है, वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार क्यों कर रही है, क्यों आ रही है सीबीआई हमारे यहाँ मत आने दीजिए, रोक दीजिए, दोनों चीजों में विरोध है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली वेंडेटा है, इसलिए सीबीआई को आज यूज कर रहे हैं। ये एक साल पहले की घटना ही है, कोल स्कैम अभी अभी नहीं आया सामने, एक साल से इसका छानबीन चल रहा है, इससे पहले साढ़े छह साल से शारदा नारदा का मामला भी चल रहा है, लेकिन किसी भी मामले का कोई भी अंजाम हमारे सामने आज नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये आपको मतलब हम बोलेंगे कि हमारे जो प्रेस्टीज है, हमारे बंगाल के जो सबसे बड़ा प्रेस्टीज है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो नोबेल प्राइज वो चोरी हो गया, जो सीबीआई जांच कर रहे थे, आज तक उसका कोई सामने नहीं आया है कि नोबेल प्राइज कहा गया और उसको ढूंढने के लिए जो सीबीआई को जांच हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा था, आज तक सीबीआई उनको सामने लेके नहीं आ पाया कि कौन चोरी करके नोबेल प्राइज ले गया। तो ये बहुत शर्मनाक की बात है कि सीबीआई से एक रविंद्रनाथ टैगोर की जो नोबेल प्राइज है वो ढूंढी नहीं जाती है। जितने भी आरोप लगाते हैं वो आरोप के बाद उसको क्या रिजल्ट आता है, उसको कोई नतीजा सामने नहीं आता है। कितने परसेंट काम किया है सीबीआई ने, कितने परसेंट नतीजा सामने आया है, सिर्फ आरोप पे आरोप लगाए। आपने अभी जिक्र किया था जूही जी लिस्ट के अंतर्गत ओम प्रकाश चौटाला भी आपने नाम बताया था, जेल की सजा काट रहे हैं चौटाला साहब लंबे समय से, ऐसा नतीजा सामने आता है सीबीआई के काम करने के बाद में, कोई डर नहीं लग रहा जी? आप हमको पूछ रहे हैं जी? आप बोलिए, हम तो थोड़ा सुनाई नहीं दिया। आपने कहा कि क्या नतीजा आता है, आपने जो लिस्ट बताई थी उसमें एक नाम लिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी का, पिछले 5-6 साल से जेल काट रहे हैं, ऐसा नतीजा सामने आता है सीबीआई की कार्रवाई का, कोई डर लग रहा है? जेल में जाएंगे अगर निर्दोष होंगे तो कैसे आप निर्दोष व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं, पहले तो प्रमाण करना पड़ेगा सीबीआई को। उन्होंने तो प्रमाणित किया, अदालत से कन्विक्टेड हुए हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। 98% केस का कोई मतलब 98% केस सामने नहीं आया है, अगर आप देखेंगे सीबीआई का तो 98% का कोई नतीजा सामने नहीं आता। सब कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जूही जी इस विश्वास के साथ इस पूरे नजरिए को देख रही हैं। प्रदीप माथुर जी मेरे साथ हैं, प्रदीप माथुर जी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी तो पहले ही जोर शोर से इस बात को लेकर पूरे देश में चिल्ला रही है कि ये सरकार केवल और केवल ईडी और सीबीआई के भरोसे है, पर पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, ममता बनर्जी के साथ आपका भी कोई सद्भाव नहीं है, भाजपा से दुराव आपका है, कितने उत्साहित हैं सीबीआई की सक्रियता से, चोरी हुई है बड़े पैमाने पर हुई है, कोयले का घपला हुआ है बड़े पैमाने पर हुआ है, अरबों का लेन देन हुआ है बड़े पैमाने पर हुआ है। प्रदीप जी चाहेंगे आप सामने आए सच, या सोचते हैं चुनाव तक सब रुकना चाहिए, चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या कुछ करना है? देखिए ये भ्रष्टाचार तो जबरदस्त है जी, ये अपनी जगह बात है, परंतु मोदी सरकार पिछले 7 साल से जी बड़ी मजबूती के साथ चल रही थी जी, इलेक्शन के टाइम पे ये एक्शन क्यों जी, ये सीबीआई इलेक्शन के टाइम पे क्यों सक्रिय हो गई है जी, ये क्यों नहीं 3 साल पहले सक्रिय हुई जी, क्यों नहीं 5 साल पहले सक्रिय हुई, और इस भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोका जी? अब आप इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहते हैं जी, आप रूलिंग पार्टी को टेररिस्ट करके उसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं और इसको वोटों की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, तो ये बीजेपी की तो हालत बन चुकी है जी, बाई हुक या बाई क्रुक जी, तो ये सत्ता को हासिल करने के लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी तरह भी सरकारें गिराते हैं, बनाते हैं, उठाते हैं और इस्तीफे दिलाते हैं, पार्टी ज्वाइन कराते हैं, चाहे डरा के कराए, चाहे सीबीआई की रेट से कराए, चाहे ईडी की रेट से कराए जी, यही सब कुछ वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस में ठीक है होगा, भ्रष्टाचार जरूर होगा जी, तो सबको पता है ईस्टर्न कोल फील्ड में क्या हो रहा है जी, पर व्हाई एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जी।
इस समय क्यों हो रहा है, यह सवाल प्रदीप जी आप उठा रहे हैं। लेकिन आपसे एक सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन तौर तरीकों से आप कितने खुश हो, कितने आनंदित होते हैं? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि यूपीए सरकार के दौर में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सीबीआई जो है तोता बन गया है। यूपीए सरकार के दौर में जो भी तौर तरीके थे उसके आधार पर यह टिप्पणी आई थी। तो इस नई सरकार ने आपके द्वारा डाली गई परंपरा को और बेहतर किया है और बदतर किया है? आपने जो कुछ मील के पत्थर तैयार किए थे उनसे कुछ ऊंचाई ली है कि नीचे लिए हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? आपकी राह पे और आगे बढ़े हैं, पीछे हटे हैं? देखिए, अब तो सरकार जो है जी एक तरह की ताराशाही सरकार है जी। इसमें टिप्पणियां मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सम्मानीय कोर्ट के लिए जी, वो भी आप देखेंगे वो प्रो प्रो रूलिंग पार्टी आती है टिप्पणियां जी। तो जबकि ये बड़ा खेदजनक मामला है, पर मामला क्या है कि ये इस तरह की स्थितियां हैं। होता उन्होंने जरूर कहा था, तब कोर्ट्स लिबरल थी, अब कोर्ट्स लिबरल नहीं है जी। और अब जो है मामले ज्यादा टीके हो गए हैं और डराने और धमकाने के लिए हो गए हैं, और सीबीआई का इस्तेमाल दुरुपयोग के रूप में किया जा रहा है, ना कि एक पॉजिटिव वे में जाने के लिए। तो प्रदीप जी को लगता है कि सीबीआई का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ में, आपने तीनों महानुभावों की टिप्पणियों को सुना है। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बंगाल में जो कुछ भी अभी घट रहा है, इसको आप एक स्वाभाविक घटना के तौर पर लेते हैं, या आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी घट रहा है वो केंद्र की चुनाव के संदर्भ में एक रणनीति के तहत घट रहा है? सीधी टिप्पणी आपसे। देखिए, ये जो जांच हो रही है ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, क्योंकि दो साल पहले ममता बनर्जी की सरकार ने सीबीआई के वो अधिकार विड्रॉ कर लिए थे जी। और कई गैर भाजपा सरकारों ने विड्रॉ किए हैं जी। लेकिन ये चूंकि हाईकोर्ट के आदेश से हो रही है इसलिए जांच हो रही है, इसलिए सीबीआई वहां काम कर रही है जी। लेकिन हाँ, टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठता है जी। कि ये टाइमिंग जो चुनाव की टाइम है, इस वक्त सीबीआई इतनी सक्रिय हुई है तो क्यों सक्रिय हुई है जी। ये एक सवाल निश्चित रूप से विपक्ष के मन में भी और सवाल करने वाले हमारे जैसे आप जैसे पत्रकारों के मन में भी उठ सकता है जी। तो टाइमिंग का सवाल है, लेकिन जहां तक जांच की बात है तो जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, तो जांच करना सीबीआई का काम है, वो किसी के खिलाफ हो सकती है। लेकिन मैं यहां दो तीन टिप्पणियां करूंगा इसी विषय को लेकर, सीबीआई को लेकर के। अभी आपने ओम प्रकाश चौटाला जी का जिक्र किया था, तो ओम प्रकाश चौटाला जी जिस मामले में जेल में हैं, वो भर्ती घोटाला जो था बेसिक टीचर्स का, वो सीबीआई की जांच यूपीए सरकार के टाइम में हुई थी, प्रदीप माथुर जी बैठे हुए हैं और तब वो उनके अरेस्ट हुई थी। इसके अलावा सीबीआई ने यूपीए सरकार के समय तीन बड़े मामले दर्ज किए थे जिनको लेकर के उत्तर यूपीए की सरकार कटघरे में खड़ी हुई थी, 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला। 2G घोटाले में कनीमोझी जेल में गई, ए राजा जेल में गए और कई अधिकारी भी जेल में गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं जी। मतलब वो खारिज ही कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद सीबीआई ने उच्च स्तरीय अदालत में अपील भी नहीं की, वो मामला 2G खत्म हो गया। कोयले घोटाले का सबके सामने अभी तक जो है कहीं किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचा। कॉमनवेल्थ घोटाले का वही हाल है, सुरेश करमाणी जेल गए थे, बाद में जमानत पर रिहा हो गए, कोई तार्किक परिणति तक मामला नहीं पहुंचा जी। इसके अलावा प्रदीप माथुर जी बैठे हुए, मैं एक और याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला हुआ जी। जो कई लाख, मतलब कम से कम 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, और वो यूपीए सरकार के जमाने का मामला, मतलब सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की थी और उसके पहले 3-4 सरकारें उसमें, सरकारों पर आरोप है उसमें लगातार कंटिन्यूटी में, और उसको लेकर के जब यूपीए की सरकार थी तब सीबीआई को आदेश हाईकोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उसकी तारीद हुई, लेकिन आज तक सीबीआई उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई जी। मतलब कहने का, तो कई मामलों में जो सीबीआई का सिलेक्टिव रवैया होता है ये प्रश्न खड़े करता है कि आखिर कहीं तो आप बहुत तेज हैं और कहीं आप इतने धीमे हैं कि दशकों बीत जाए और आपकी कलम न चले, आप आगे न बढ़े, तो ये समझ में नहीं आता। क्योंकि उस घोटाले में जिन जिन लोगों पर निशान है या आरोप है या संदेह है, वो सरकारों में मंत्री रहे कंटिन्यूअस लगातार और समर्थन देते रहे कई तरह की, तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है सीबीआई की, ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिर सीबीआई। विनोद जी, मैं एक सवाल आपसे और करता हूं, जैसे हमारे साथ में अग्निमित्रा पॉल जी हैं, उन्होंने बड़ी मासूमियत से यहां पे कार्यक्रम में कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, उसके कामकाज के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं, वह अपने अनुसार काम करती है। इस दलील पर, इस मासूमियत पर भी आप कुछ कहना सुनना चाहेंगे? कुछ कहा जुई विश्वास जी ने,
पर आप चूंकि एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर यहां बैठे हैं, सीबीआई का अस्तित्व लाल बहादुर शास्त्री के समय से आया है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर, उसकी स्पष्टता को लेकर कुछ कहने का मन करता है आपका, जैसा सम्माननीय अग्निमित्रा जी ने कहा? अग्निमित्रा जी के टिप्पणी पर मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूं, क्योंकि यही सीबीआई जब उसने लालकृष्ण आडवाणी पर मामला दर्ज किया, इसने जब गुजरात में मामले दर्ज किए तब ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही थी, अब वो निष्पक्ष हो गई, स्वायत्त हो गई। तो ये जो दोहरा मानदंड है नेताओं का, ये मैं जो है इस पर मुझे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सीबीआई उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीन पुलिस है जैसे राज्य की पुलिस सरकार, पुलिस जो है राज्य सरकारों के अधीन होती है। और सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर के बराबर जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तब भी बहुत सवाल उठे, और सुप्रीम कोर्ट के ही हस्तक्षेप से वो कमिटी बनी जिसमें नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की, जो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करती है और उसका टेन्योर 2 साल का किया गया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की स्थितियां बनती हैं और केंद्र सरकारें कोई भी हो, मेरा तो मानना है अपने पत्रकारी अनुभव के आधार पर कि सीबीआई भी उसी तरह कोई भी केंद्र सरकार हो उसके हिसाब से ही काम करती है जैसे कि राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियां करती हैं। इसमें चाहे जूही जी कुछ कहें या चाहे अग्निमित्रा जी कहें या प्रदीप जी कहें, ये जब अपनी सरकारें होती हैं तो अपने हिसाब से सीबीआई अपने हिसाब से काम करती है। एक और टिप्पणी आपसे चाहिए विनोद जी, कुल मिलाकर टीएमसी ये बता रही है कि सब कुछ केंद्र के इशारे पर है, हमारी सरकार हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए है। भाजपा की दलील है कि देखिए किस तरीके का गदर इन्होंने राज्य में मचाया हुआ है। चुनावी दृष्टि से इस प्रकरण का प्रभाव, आपने तो कई चुनाव देखे हुए हैं, क्या इनकार करेंगे कि इस चुनाव का में प्रभाव पड़ेगा इस केस का, और पड़ेगा तो किस तरीके से पड़ेगा? देखिए ये हिमांशु जी ऐसा है कि पहले तो मैं एक चीज और बता दूं जो थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा था कि पिछले 1.5 साल से सीबीआई के, आपने देखा होगा सीबीआई की गतिविधियां थोड़ी कम हो गई थी, ईडी और इनकम टैक्स ज्यादा काम कर रहे थे जी। उसका श्रेय मैं दूंगा जो इसके पहले सीबीआई के निदेशक थे अपने आपके मध्य प्रदेश के ही शुक्ला जी, ऋषि उन्होंने बहुत तरीके से, ऋषि शुक्ला जी ने, उन्होंने कम से कम अपने कार्यकाल में सीबीआई को बहुत ज्यादा सीमाएं और मर्यादा लांघने की इजाजत नहीं दी। ये इसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके हटते ही सीबीआई बंगाल पहुंच गई। अब खैर इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। अब दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये घटना हुई है इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि दोनों पार्टियां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस इस घटना को अपने अपने हिसाब से इसका प्रचार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस इसको विक्टिम कार्ड खेलेगी, वो कहेगी कि देखिए केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई हमें परेशान कर रही है चुनाव के समय। भाजपा कहेगी देखिए ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर वो आरोपों के घेरे में है, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी सीबीआई के जरिए और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब बंगाल की जनता किस कार्ड को स्वीकार करती है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं अग्निमित्रा जी आपके पास वापस आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक सीबीआई की सक्रियता एन मौके पर ही क्यों दिखती है जब कहीं राजनीतिक रूप से परिस्थितियां नाजुक होती हैं। एक निष्पक्ष संस्था, एक स्वतंत्र संस्था के कार्य के संदर्भ में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का सिलसिला शुरू होता है, वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी, उनके यहां पर छापा पड़ जाता है। राजस्थान में सचिन पायलट बागी तेवर दिखाते हैं, अशोक गहलोत सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि उनके सगे भाई के यहां पर छापा पड़ने के लिए एजेंसियां पहुंच जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव का समय आता है, अचानक सीबीआई को लगता है कि बंगाल में कुछ ठीक ठाक नहीं है, पहुंच जाती है। यह अचानक जैसे ही सत्ता का समीकरण बैठता है और जहां भाजपा सत्ता में नहीं होती है वहीं पर ऐसा क्यों हो जाता है? आप तो राजनीति की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सोच पाती होंगी, चिंतन भी करती होंगी, मनन भी करती होंगी, किसी नतीजे पर भी पहुंचती होंगी, थोड़ा हमसे साझा कीजिए ना अपने चिंतन मनन को। ये तो कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई का ये चल रहा है जी। इसमें हम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें भाजपा का क्या करना है जी। और जूही जी जो टीएमसी के प्रवक्ता है वो बोल रहे कि हमारा धर्म को डराया जा रहा है, तो अगड़ने का बात क्या है? अगर आप लोग कुछ किए नहीं है, चोरी नहीं किए है, तो क्यों डर रहे हैं आप लोग? डरने का तो कोई बात है नहीं, डर तो आपके कारण से लग रहा है ना अग्निमित्रा जी, जो आपका तेवर है, जो आपका तरीका है, उसके कारण से तो आदमी डर ही जाता है। चोरी आपने किए नहीं है तो क्यों डरेंगे जी? और नारदा शारदा रोज वैली, इतना इतना चोरी हुआ है, इतना साधारण बंगाल के
इतना सारा जनता जो सुसाइड किया है जी, तो उसके लिए ममता बनर्जी फिर क्या किए? अच्छा तो फिर अग्निहोत्र, ये एक सवाल है कि जब इतनी चोरी इन लोगों ने की, इतना करप्शन इन्होंने किया, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया, तो आज से 4.5 साल पहले हुए चुनाव में बंगाल की जनता ने इन्हें 3/4 बहुमत के साथ चुन के सदन में क्यों भेज दिया? इतनी खराब पार्टी, इतनी खराब नेता, इतना करप्ट चरित्र, इसके बावजूद भी बंगाल की जनता इन लोगों को चुनती है, क्यों? किसको चुने हैं? टीएमसी को बोल रहे हैं क्या? हम सुने नहीं आपका क्वेश्चन। हाँ, टीएमसी को चुना है मेरे ख्याल से। 4.5 साल पहले भाजपा तो नहीं चुनी गई थी, भाजपा की तो 2.5 में सीटें भी नहीं पहुंच पाई थी, हमने जानकारी है। मालूम होगा भाई साहब, आपको मालूम होगा कि टीएमसी कैसे इलेक्शन लड़ते हैं जी। पंचायत का जो वोट हुआ जी, तो हम लोग को कैंडिडेट खड़ा करने नहीं दिया जी। इतना डराया, धमकाया, इतना मारा, इतना खून का इलेक्शन हुआ जी। आपको मालूम होगा, ये लोग तो अभी मुदस्सर बोल के इन लोग का एक नेता है टीएमसी का जी, अभी बहुत चला हुआ है इन लोग का, यूट्यूब में चल रहा है, बहुत जगह में ये न्यूज है जी। मुदस्सर जी ओपनली बोल रहे हैं कि आपका, आप जितना भी कोशिश करें हम लोग बूथ तक आने नहीं देंगे, खेला हो बे खेला हो बे, ये स्लोगन वो लोग चोरी किए है। खेला हो बे खेला होगा, मैंने खेला होगा खेला होगा, ये एक स्लोगन है बांग्लादेश का एक एमपी ने इसको दिया था। ये लोग सब कुछ चोरी करता है, गाय भैंस कोयला बाली सब कुछ चोरी करता है, स्लोगन भी चोरी करता है जी। स्लोगन चोरी करके ये आदमी बोल रहे इन लोग का नेता कि आप लोग को हम लोग घुसने नहीं देंगे बूथ तक जी। तो ये है इन लोग का डर, क्योंकि इन लोग को मालूम है कि सुनामी आया है, सुनामी बंगाल में सुनामी आया है। अच्छा अग्निमिता जी, एक बात बताइए कि जब तृणमूल कांग्रेस के नेता इतने तेवर के साथ हैं, आपको बूथ तक भी नहीं पहुंचने देते हैं, चुनाव नहीं लड़ने देते हैं, तो भाजपा में इसलिए दम नहीं बचा था, इसीलिए सारे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को चुन चुनकर भाजपा में ला रहे हैं कि आप बूथ तक पहुंच पाए, चुनाव दमदारी से लड़ पाए? हम लोग चुन चुन कर नहीं ला रहे भाई साहब जी। कोई अगर उनका, वो तो बोलता है ना एक ही पोस्ट है टीएमसी में, एक ही पोस्ट है जी, बाकी सारा लैंप पोस्ट है जी। हम लोग उन लोग को न्योता देकर बुलाया नहीं जी। उन लोग आना चाहते हैं क्योंकि उन लोग का एक कैपेबिलिटी है, उन लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो सीधा है। अब ममता बनर्जी सोचते है कि उन लोग को अब सबके तरह स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से चलाएंगे जी। वो अपना भाई को अभिषेक बनर्जी को ही तुलवा देंगे, प्रमोशन करेंगे, बाकी सब उनका तलवा चाटते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा जी। वहां पर कोई किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। हर एक लीडर बोल रहे हम लोग को सफोकेशन हो रहा है जी, वहां का माहौल से सफोकेशन हो रही है। जूही जी भी मेरे साथ अग्री करेंगे, ठीक है, ये कोई बात आपकी बात को है अग्निमित्रा जी, मैं थोड़ा आपकी बात को समझ पाने में नाकाम हूं। अभी आप बता रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, पंचायत के स्तर पर हमें कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करने देती है, हमारे लोगों को बूथ तक भी नहीं पहुंचने देती है, तो क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने क्लोन तैयार करके हर जगह तैनात रहते हैं और लोगों को रोक लेते हैं? क्योंकि आपने कहा और तो कोई किसी हैसियत में नहीं, तो रोकता कौन है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, या उनके पीछे इतना जन समर्थन है, समर्पित कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज है, समर्पित कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम है कि जो अपने नेता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है? दोनों बात में विरोधाभास है, थोड़ा समझाएगी हमें? काफी दूर बैठे हैं हम बंगाल से। उनके पास, हाँ हाँ उनके पास आप आइए, हम आपको न्योता देते हैं, आप आइए पश्चिम बंगाल और आके देखिए क्या है इधर का माहौल, क्या है। नहीं है, उन लोग का क्रिमिनल्स है, उनके साथ क्रिमिनल्स है। अब बंगाल का जो सांस्कृतिक लोग है ना, हम लोग सांस्कृतिक लोग है, हम लोग का संस्कृति है, हम लोग शांति चाहते हैं। अच्छा अग्निमिता जी, आपने नहीं करते ये। अग्निमिता जी एक और सवाल, फिर मैं जूही जी के पास जाऊंगा। आपने कहा उनके साथ क्रिमिनल्स हैं, तो उनके साथ जो क्रिमिनल्स हैं उनमें से कितने क्रिमिनल अब भाजपा के साथ हो गए हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग इस समय भाजपा ही हुए हैं और टीएमसी में जो है वो क्रिमिनल है, तो एक कोई आंकड़ा है आपके पास में कि कितने क्रिमिनल अब भाजपा के साथ हो गए? आंकड़ा तो मेरे पास अभी है नहीं, अगर आप बोलते कि ये आप पूछेंगे तो फिर आंकड़ा लेकर बैठते, लेकिन आप जो सवाल किए हैं कि आपका ये कहा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या बूथ बूथ में जाते हैं? नहीं, उन लोग का जो हनुमान बहनी है, उन लोग का जो टेररिस्ट जो दुष्कृति लोग है जो बंगाल का महिलाओं को हर दिन रेप करते हैं और बंगाल का पुलिस उसका एफआईआर नहीं लेता है,
और माननीय मुख्यमंत्री हाथरस के लिए रोते हैं, लेकिन अपना बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे उसके लिए उनका आंसू नहीं बहते है, वो आदमी है उनके साथ। और वही हम बोल रहे हैं ना कि बंगाल का जो लोग है वो शांति चाहते हैं। अगर आप बूथ के सामने बम नहीं करेंगे, गोली दिखाएंगे, पिस्तौल चलाएंगे तो कौन जाएगा बूथ में? लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार ये मौका हम लोग नहीं देंगे। पैरा मिलिट्री फोर्स ऑलरेडी आ गया है और आने शुरू कर दिया है, कैसे हम लोग को रोकेंगे और कैसे बंगाल के लोगों के लोग को रोकेंगे, ये हम लोग भी देखना चाहते हैं। ये देखना चाहती है अग्निमित्रा जी। जूही जी, क्या कर रही है आप बंगाल में? अग्निमित्रा जी बता रही है कि सब कुछ बदहाल कर दिया आपने बंगाल में, जितने आपराधिक तत्व हैं वही आपके साथ हैं और उन्हीं के माध्यम से राज चला रहे हैं, वाकई ऐसा है? जी, पहले तो मैं अग्निमित्रा जी को याद दिलाऊंगी कि उनके पार्टी में भी बहुत लोग हैं, मतलब उनके पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे देश से चोरी करके, डाका चोरी करके, डाका डाल के, बैंक लूट के बाहर चले गए हैं नीरव मोदी, ठीक है, नाम तो हम बोल रहे गिना रहे इनको जी। फिर बहुत सारे मोदीज है जो बाहर चले गए हैं, आज तक उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है सीबीआई का, लेकिन क्या केस का क्या मतलब उनके खिलाफ क्या हुआ है वो हमको पता नहीं है। हाँ, तो ये सब तो हो रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कौन सा वॉशिंग मशीन पाउडर है जहाँ पर क्रिमिनल चले जाने के बाद उनको दल में लिया जाता है, और वो जो होता है ना, जो दीदी ने बोली है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, तो भाजपा में जाने के बाद नेता लोग साफ हो जा रहे हैं बंगाल से। अगर उनको नेता की जरूरत नहीं था, तृणमूल कांग्रेस से जो नेता उनके पास गए हैं उनको एक्सेप्ट क्यों किया, उनको पार्टी ने एक्सेप्ट क्यों किया जब उनके खिलाफ नारदा के केस के उनके खिलाफ नारदा के केस चल रहा है, उसी वक्त पार्टी ने एक्सेप्ट किया है उन लीडर्स को। तो अगर उनको क्रिमिनल को नहीं लेना है और सब टीएमसी में क्रिमिनल्स है, तो वो क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट क्यों किया अभी भाजपा ने? और उनके पास कोई नेता नहीं है, सही मायने में अगर आप पूछेंगे बंगाल में बीजेपी का कोई नेता नहीं है, उनका खुद का दम नहीं है नेता बनाने का। तृणमूल कांग्रेस से जो भी जा रहा है, जिनको जिनको लेके जा रहा है उनको लेके उधर नेता बना दिया जा रहा है, और उसके बाद जो इनका जो पार्टी का जो एक यहाँ पर जबरदस्त जैसे भी हो इसको दखल करना, बंगाल को दखल करने का इनका मोटो है। एंड आई एम वेरी मच शॉक्ड कि अग्निदी बताया कि बंगाल में रोज रेप होते हैं। आपको जानकारी के लिए बताया जाए कि कोलकाता इज द सेकेंड सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एंड वेस्ट बंगाल इज द थर्ड सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया। क्योंकि ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़ा है वो हम बोल रहे हैं, ये हमने तैयार नहीं किए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अग्निमित्रा जी, आऊंगा मैं आपके पास एक बार जूही जी की बात पूरी हो जाए। काम लगाया कि बंगाल में रोज रेप होता है, ये बहुत शर्मनाक बात है बंगाल के महिला के लिए, ऐसे बात उनको बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। अच्छा, इस पर तो अग्निमित्रा जी सोच लेंगे जूही जी, लेकिन आपको क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो इतनी बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के तमाम कद्दावर चेहरे भाजपा की पालकी में बैठने के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगी क्या? जिस प्रकार का करप्शन के आरोप हैं, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसके चलते तृणमूल कांग्रेस के तमाम स्थापित नेताओं को अब अपना भविष्य इस पार्टी में नहीं दिखता है, इसीलिए वो भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जा तो रहे, इससे तो इनकार नहीं आपका। बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा पार्टी है, इसमें कई लीडर्स आ रहे हैं, कई लीडर्स जा रहे हैं, जिनको जाना है वो हमारे कई सारे सीनियर लीडर छोड़ के गए, हमको दुख है, हमने भी उनसे बहुत काम किए, उनके साथ काम किए, उनसे काम सीखे हैं, लेकिन जिनको जाना है उनको तो जाना ही है, उनको तो हम जबरदस्ती पार्टी में नहीं रख सकते। जी, आप तो इस सवाल को ऐसे ही बच के नहीं निकल सकते, थोड़ा तो रोशनी डालनी पड़ेगी, अगर आपके पास जवाब नहीं आएगा तो संदेश शायद ठीक नहीं जाएगा। सवाल इस बात का है, जब काम इतना अच्छा है, नेतृत्व इतना प्रभावी है, जनता के प्रति आपकी संवेदना इतनी ज्यादा है, जनता आपके साथ समर्थन में इतनी ज्यादा है, तो तृणमूल कांग्रेस के तमाम स्थापित चेहरे अचानक भाजपा की ओर कूद कूद कर क्यों जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, क्यों? सारे चेहरे नहीं गए, दो तीन लीडर्स गए हैं, दो तीन लीडर्स जो गए हैं उनके खिलाफ आरोप था, उनके खिलाफ नारदा केस के आरोप था। एक दर्जन से ज्यादा विधायक तो हमारे सामने, आप दो तीन नेता ही बोल रही है, कैसे भरोसा करें आपकी बात में? जूही जी, झड़ी लगी हुई है, हर हफ्ते दो चार नेता कूदकर भाजपा के साथ दिखते हैं, एक दर्जन से ज्यादा नेता जा चुके, आधा दर्जन मंत्री जा चुके, तमाम सांसद रुख कर रहे हैं, इसके बाद भी आप इनकार कर रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? इसके संदर्भ में कुछ कहने के लिए है आपके पास, या अभी तक आप समझ नहीं पा रही क्यों हो रहा है? कांग्रेस एक ऐसे पार्टी है, बड़ा पार्टी है, इसमें कई लीडर्स आ रहे हैं, कई लीडर्स जा रहे हैं, जिनको जाना है उनको हम जबरदस्ती तो दल में नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन
जिनको जो भी रहेगा यहाँ पर नहीं रहेगा उससे तृणमूल कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक टाइग्रेस है, वो अकेली लड़ सकती है। उनको डरा के धमका के उनको वहां से तृणमूल कांग्रेस लीडर उठा के लेके जाके भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो अकेले भी रहेगी तब भी पार्टी जीतेगी बंगाल में। और 295 सीटें हैं क्या, 295 सीटों पर ममता बनर्जी ही चुनाव लड़कर और सरकार बना लेंगे, कुछ इस प्रकार का जवाब जूही जी से मिल रहा है। लेकिन मैं प्रदीप जी के पास में जाता हूं और प्रदीप जी आपसे इस सवाल को दोहराता हूं जिसका उत्तर मुझे जूही जी से नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के संघर्ष का प्रतीक है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से निकलकर एक अलग पार्टी बनाई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को उखाड़ फेंका और उसके बाद में अपने वजूद को स्थापित किया। लेकिन वही ममता बनर्जी आज अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से गुजरती दिख रही हैं। क्यों कांग्रेस से इतर एक सक्रिय राजनेता होने के नाते आप समीक्षा कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसके चलते ममता बनर्जी से छिटक कर उनके ही तमाम विश्वसनीय साथी भाजपा के हमजोली हो रहे हैं? देखिए ऐसा होता है कि हर पार्टी में जी तनातनी होती है जी, और डिफरेंसेस होते हैं लीडर्स के बीच में जी, और वो खुद जब इस तरह के लीडर्स होते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट जब हो जाते हैं जी, और उसकी उसकी हाईकमांड की निगाह आ जाती है, तो इससे पहले कि वो सत्ता पक्ष उनके खिलाफ कार्यवाही करे वो दूसरी पार्टी में कूद के चले जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये जाना ही जाता है कि यदि उस पार्टी में चले गए तो समझ लीजिए गंगा रंगी जी, तो यहाँ पे तो कितना बड़ा से बड़ा क्रिमिनल चला जाए, कितना से बड़ा डकैत चला जाए, वो भारतीय जनता पार्टी को तो मैं जाके डुबकी लगाने के बाद उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं और शुद्ध होके वो अवतरित होता है जी। तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी में होती है और ये इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है किसी सत्ताधारी पार्टी की कि उनको लग रहा है कि अब के वो मंत्री नहीं बनेंगे या वो ड्रॉप होने वाले हैं या उनके ऊपर कुछ जांचें बैठी हैं, तो ऐसे संदर्भ में वो अपने आप को बचाने के लिए एक एप्रिहेंशन में कि ये सत्ता फिर से दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी वो भागते हैं। तो यही मैं देख रहा हूं भगदड़ तृणमूल कांग्रेस में मची हुई है क्योंकि इलेक्शन करीब है जी। और ये सब काम इलेक्शन जब करीब होते हैं तब होते हैं, इलेक्शन करीब है इसलिए उस पार्टी के कुछ लोग जिन्हें असंतुष्ट कहते हैं जी, वो दूसरी पार्टी में भाग रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी एक सवाल है मेरा आपसे, आपने बड़ी सटीक टिप्पणी की कि भाजपा में डुबकी लगा लो सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन भाजपा की क्षमता के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये क्या कमाल भाजपा ने अपने अंदर पैदा किया है कि किसी भी पार्टी का नेता आता है वो भाजपा में आने के बाद डुबकी लगाता है और जनसमर्थन भी पा लेता है। कर्नाटक में ऐसा हुआ, तमाम नेता छोड़ के भाजपा में आए, दोबारा चुनाव मैदान में गए, जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताकर उन्हें सदन में पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया के साथ तमाम नेता आए, फिर से चुनाव में गए, जीते और सदन में पहुंच गए। ये कमाल कैसे है? भाजपा से कुछ सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे या केवल सवाल ही करता रह जाएगा विपक्ष? देखिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार करती है जी, और साम दाम दंड भेद ये जब से मोदी जी आए हैं जी, अमित शाह जी की जोड़ी आई है, तब से ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कारनामे होने लगे। और साम दाम दंड भेद की नीति चलते हुए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भाई हुक और भाई क्रूक जी, उस तरह की बातें करते हुए ये सत्ता को हासिल करते हैं जी। एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह में लगाना चाहूंगा, आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, ईवीएम हैकिंग जी, पहले ही एडवांस में बोल रहे हैं आपके टेलीविजन के माध्यम से मैंने सुना कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि बीजेपी की 220 सीटें आएंगी जी, तो ये कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं एडवांस में इतनी सीटें आएंगी? इलेक्शन होते हैं ये माहौल बनाते हैं, सब कुछ पैसा खर्च करते हैं। प्रदीप जी मैं इसमें रोकना चाहूंगा, बीजेपी ने हम छत्तीसगढ़ में बैठे छत्तीसगढ़ में भी कहा था 2018 के चुनाव में 65 प्लस सीटें जीतेंगे। भूपेश बघेल सामने थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिन बचे खुचे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। जब नतीजा आया तो भाजपा की तो 65 सीटें नहीं आई पर कांग्रेस की 65 से ज्यादा सीटें आ गई। ये कमाल कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैकिंग कांग्रेस ने कर ली थी इसलिए? कि ये पूरा टैक्टफुली गेम है। अच्छा, चार राज्यों में आप दो राज्यों में कांग्रेस को कर दीजिए, पांच राज्य को जीत लीजिए जी। तो ये एक तरह की सोची समझी डाल होती है।
आप विपक्ष को एकदम खत्म भी नहीं कर सकते, आप विपक्ष को एकदम खत्म भी नहीं कर सकते, ईवीएम हैकिंग पर चले गए हैं प्रदीप जी, तो कुल मिलाकर इसके संदर्भ में तो हम किसी निष्कर्ष पर क्या पहुंचेंगे, लेकिन मुझे जाना विनोद अग्निहोत्री जी के पास है, लेकिन जूही विश्वास जी की टिप्पणियों से आहत होकर अग्निमित्र जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रही थी, एक बार उनकी बात सुनते हैं फिर विनोद जी के पास चलते हैं। जी अग्निमित्रा जी, आपकी कुछ असहमति थी जब जूही जी बोल रही थी? नहीं, जूही जी बोल रहे थे ना कि उनको बहुत शर्म आ रही है कि हम बोल रहे हैं कि महिलाओं का रेप होता है और कोरोना से भी ज्यादा पैंडेमिक हो गए अभी पश्चिम बंगाल में धर्षण जी। तो शायद जूही जी मेरी दोस्त है, छोटी बहन की तरह है जी। लेकिन शायद वो होमवर्क करके नहीं आई है जी। उनको मालूम नहीं है कि पश्चिम बंगाल अभी नंबर वन है विमेन ट्रैफिकिंग में जी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में वेस्ट बंगाल इज नंबर वन जी, विमेन ट्रैफिकिंग में नंबर वन जी, एसिड अटैक नंबर वन, मिसिंग गर्ल्स सेकेंड और थर्ड जी, सबसे कम उम्र में बच्चे का शादी हो रहे जी। पश्चिम बंगाल में द नंबर इज 70:18, 18 नेशनली 70 इन वेस्ट बंगाल जी। और जूही जी शायद अखबार भी नहीं पढ़ती होंगे जी। अभी 15 दिन पहले का बात है जब कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय नॉर्थ कलकत्ता में एक 9 बरस की छोटी बच्ची को उसका मामा के घर वो आई थी खेल रही थी, घर के सामने से उसको उठाकर नॉर्थ कलकत्ता, कोई टाउन नहीं बोल रहे हम, कोई आउटस्कर्ट्स नहीं बोल रहे जी, जोड़ा बगान उसका नाम है, वहां पर एक छोटी बच्ची को इतनी बुरी तरह से धर्षण करके उसका सारा दांत को तुड़वा के उसको बाल को काट के उसको नंगा करके ड्रेन के बगल में उसको छोड़कर गया था। जब महिला मोर्चा गए थे जोड़ा बगान पुलिस स्टेशन पूछने के लिए कि आप लोग क्यों नहीं देख रहे, पकड़ा नहीं कोई, किसी को पकड़ा नहीं था तब तक, क्यों नहीं देख रहे सीसीटीवी कैमरा, तो जोड़ा बगान पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री तो पुलिस मंत्री भी है ना जी, तो वो बोल रही है, पुलिस बोल रही है हम लोग का सीसीटीवी कैमरा चलता नहीं है मैडम, अम्फन का बाद में से सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा जी। तो ये हालत है पश्चिम बंगाल का महिलाओं को, ये हालत है पश्चिम बंगाल की, आंकड़ों के साथ में बात जूही जी ने भी की, आंकड़ों के साथ अग्निमित्रा जी ने भी की, लेकिन मैं वापस लौटकर आता हूं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास में, जो द्वंद चल रहा है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, आपसे जानना चाहूंगा कि ये लड़ाई राज्य के स्तर पर है या आप महसूस कर रहे हैं कि ये लड़ाई दरअसल राज्य और केंद्र के स्तर पर तब्दील हो गई है, लड़ाई दिलीप घोष और ममता बनर्जी के बीच में नहीं है बल्कि लड़ाई नरेंद्र मोदी अमित शाह बनाम ममता बनर्जी में तब्दील है और इसीलिए चीजें ज्यादा तल्ख ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। देखिए 2016 में भी लड़ाई नरेंद्र मोदी अमित शाह बनाम ममता बनर्जी थी जी, और 2021 में भी लड़ाई नरेंद्र मोदी अमित शाह और नड्डा जी को भी जोड़ लीजिए बनाम ममता बनर्जी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास, अग्निमित्रा जी मुझे क्षमा करेंगे, कोई वैसा चेहरा नहीं है जी जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जैसे कि गुजरात में कांग्रेस के पास नहीं था जब नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और नरेंद्र मोदी जी उस पर गुजराती अस्मिता का सवाल उठा करके बहुत तरीके से कांग्रेस को जो है वापस जो है पैदल करके भेज देते थे, तो कुछ उस वही कार्ड ममता जी भी खेल रही है, बंगाली अस्मिता का सवाल उठा रही है, इसीलिए आउटसाइडर और इनसाइडर का भी नारा चल रहा है, बंगाल की बेटी की बात हो रही है, तो ये तो एक समस्या एक बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। सौरभ गांगुली को लाने की कोशिश की गई थी, उनकी तबियत खराब हो गई, उसके बाद दिलीप घोष जी हैं मुखर नेता है सांसद है, लेकिन अभी ममता बनर्जी का मुकाबले जो है वो कितना बंगाली जनता को आकर्षित कर पाएंगे, पहली बात तो बीजेपी उनको घोषित करे मुख्यमंत्री का चेहरा, जो नहीं कर रही है, कई बार उनके समर्थकों ने बयान भी दिए लेकिन उसके बाद उसका खंडन भी आ गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व के अंदर एक असमंजस है इसको लेकर के। दूसरी बात यह है कि बंगाल के चुनाव का इतिहास आप देखिए, कांग्रेस का शासन जाने के बाद, यानी इवन कांग्रेस के जमाने में भी बंगाल की जनता ने हमेशा बंगाल के बड़े नेता को चुना, वो चाहे बिधान चंद्र राय हो, वो चाहे जो है सिद्धार्थ शंकर बोस हो, चाहे ज्योति बसु हो, चाहे वो आपके बुद्धो भट्टाचार्य रहे हो या फिर ममता बनर्जी रही हो, क्योंकि बंगाल के का एक जो करेक्टर है, जो एक डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल करेक्टर है, उसमें वो बंगाली अस्मिता का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी वो अभी बंगाल के लोगों की अपनी पार्टी उस तरह नहीं बन पाती है, कांग्रेस भी नहीं बन पाई थी जब सीपीएम खड़ी हो गई थी, सीपीएम बंगाली पार्टी हो गई थी, तृणमूल कांग्रेस बंगाली पार्टी है, बीजेपी कोशिश कर रही है पूरी तरह से बंगाली पार्टी बनने की, लेकिन बीजेपी की समस्या यही है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी थी,
कि उनके पास कोई नेता उस तरह का नहीं था। तपन सिकदर एक नेता बन के आए थे लेकिन बाद में वो फिर किनारे हो गए और वैसा नेता ममता बनर्जी के टक्कर का नहीं मिला। ममता बनर्जी के ही बैसाखी पर चल करके बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी जगह बनाई। वाजपेयी जी के जमाने में जो अलायंस किया था बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ, उसी से बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अंदर खिड़की मिली, वहां से वो घुसी और उसके बाद बीजेपी का जो तरीका है कि वो अपने तरीके से आगे बढ़ती है। अभिनव जी, मेरा एक सवाल है आपसे, हालांकि हम थोड़े विषय से भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि हमारा सवाल था कोयले के संदर्भ में, सीबीआई के संदर्भ में, पर जिस राह पर आप ले गए हैं तो उसमें एक सवाल है। बंगाल के नेताओं के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। भारतीय जनता पार्टी जो उत्साह में है, जो अपनी संभावनाएं देख रही है, जो उसको लग रहा है कि कुछ मिल सकता है, उसका बहुत बड़ा कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हुई सफलता है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मैं बताता हूं। 2019 में उड़ीसा में लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव हुए थे जी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है और विधानसभा में नवीन पटनायक जीतते हैं जी। वही वोटर जी। पश्चिम बंगाल 2019 का जो चुनाव था नरेंद्र मोदी का चुनाव था जी। वो चुनाव ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं था जी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए था और नरेंद्र मोदी पुलवामा की घटना के बाद, बालाकोट की स्ट्राइक के बाद जिस तरह से राष्ट्रनायक के रूप में उभरे थे तो उसने बड़े बड़ों के जो है जड़ें उखाड़ दी। वो बंगाल में भी उखड़ी, मध्य प्रदेश जहां दो तीन महीने पहले कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने स्वीप किया था, राजस्थान में कांग्रेस जीती थी, वहां सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का क्योंकि वहां मोदी जी का कार्ड चला। अब प्रश्न यह है कि क्या बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी की बात पर भरोसा करके ममता बनर्जी को खारिज करके उनके किसी नुमाइंदे को बंगाल की चाबी सौंपेगी या फिर ममता बनर्जी पर भरोसा करके या फिर ममता बनर्जी पर भरोसा करेगी, ये विनोद जी का कहना है। लेकिन जूही जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रही थी जब अग्निमित्रा जी ने तमाम आंकड़ों के साथ में बात करते हुए बताना चाहा कि बंगाल के हालात उतने अच्छे नहीं है जितना दावा जूही जी कर रही है। जी जूही जी, कोई दावा कर रही हूँ? अग्निमित्रा जी दावा कर रही है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही थी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड रेप सेम नहीं है। और अग्निमित्रा जी अग्निदी जो बात बोल रही थी अभी, एक बच्चे की बात, वो बहुत ही बुरी हादसा हुआ है। ऐसे हादसा के साथ हम लोग बहुत ही सब वो कहीं भी प्रदेश में हो ये कभी भी नहीं मान सकते है। कोई भी औरत होने की वजह मैं ये बोलूंगी कि देखिए वो तो एक हुआ है, वो तो एक पुराने बिल्डिंग में, वहां पर कोई सीसीटीवी का कोई मौका ही नहीं था सीसीटीवी लगने का। एक पुराना बिल्डिंग में अगर कुछ हादसा हो जाता है तो वहां पर आपके कोई उपाय नहीं है कि आप सीसीटीवी से फुटेज मिलेगा आपको। और दूसरी बात, तो मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ। अग्नि जी बोल रही है कि मैं होमवर्क करके नहीं आई हूँ, मैं ये नहीं जानती हूँ, वो नहीं जानती हूँ, तो मैं पूरा जानकारी के साथ ही आपको बता रही हूँ कि बंगाल में लड़कियों की जो कम उम्र की जो शादी होती थी पहले, अभी जो कन्याश्री प्रकल्प दीदी ने चालू किया है जिसके अंदर अभी 67,000 लड़कियां हैं, आपकी जानकारी के लिए बताए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें अगर 2021-22 का बजट देखेंगे तो उसमें है जीरो बजट रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 450 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया गया है अभी उसका बजट है जीरो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कन्याश्री का जो बजट है यहाँ पर 9,400 करोड़ के बजट रखे हैं और 67,000 लड़कियां इसके अंदर पढ़ रही है। अभी जो बाल विवाह पहले होती थी गांव-गांव में, पहले जो शादियां दिया जाते थे लड़कियों को, पहले शादियां करवा देती थी 18 साल से पहले उम्र की लड़कियों को, आजकल वो बंद हो गया। आजकल खुद लड़कियां अपनी पैर पे खड़ी है, कन्याश्री यूनिवर्सिटी बनाया गया है बंगाल में, कन्याश्री के जो स्कीम है ये स्कीम से लड़कियां यहाँ पर गांव-गांव में पढ़ रही है। यहाँ पर जो सबूत साथी के जो साइकिल दिया गया है, 84 लाख स्टूडेंट्स को ये साइकिल मिला है, ये साइकिल लेके लड़कियां स्कूल जा रही है कॉलेज जा रही है, तो ये आंकड़ा सही नहीं है। आपने कई सारी बात कही तो मैं इससे जुड़ा हुआ एक राजनीतिक सवाल करता हूं। आप ये बता रही हैं कि ममता बनर्जी के समय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चियों की बेहतरी के लिए बहुत कुछ काम हुए हैं, आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत काम हुए होंगे, पर जानने में दिलचस्पी इस बात की है देश को और हो सकता है बंगाल को भी हो कि सबके लिए सब कुछ काम करने के बाद भी काम केवल अभिषेक बनर्जी के संदर्भ में हुआ क्यों दिखता है? ममता बनर्जी के बाद केवल अभिषेक बनर्जी का नाम ही क्यों आता है? लोग ऐसा बताते हैं कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस की जितनी भी समस्या है उसके मूल में अभिषेक बनर्जी हैं। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस संदर्भ में, इस समस्या के संदर्भ में? देखिए तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, इसमें संगठन है। मैं एक बार फिर रोकता हूं, आप तकरीबन 3 या 4 बार कह चुके बहुत बड़ा दल है, कितना बड़ा दल है?
इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इतना ही बड़ा है ना। आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दावा है कि वो देश की नहीं दुनिया की अब सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके साथ अब आप अपनी बात रखें। पर्सनल अटैक किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, ये एक एक व्यक्तिगत रूप से उनको ऊपर अटैक हो रहा है, एक पर्सनल अटैक हो रहा है। हमने कभी किसी को नहीं पूछा है, हमने नहीं पूछा है कि अमित शाह जी के लड़का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कैसे बना है, जबकि वो ना क्रिकेट प्लेयर है, ना कभी क्रिकेट खेले है, ना कोई मैच खेले है, ना कोई उनका एक्सपीरियंस है। हमने कभी नहीं पूछे है कि अमित शाह जी के लड़का बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सीधे सीधे कैसे बन गया है। लेकिन अभी यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक पर्सनल अटैक बीजेपी करके ये चुनाव के एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जनता इसको साफ साफ इनकार करेंगे और आने वाले जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आपके सबके सामने आएंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि पर्सनल अटैक कभी भी बंगाल के लोग अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं और पर्सनल अटैक जितना होगा उतना टीएमसी को फायदा पहुंचेगा। तो ये सब जो बीजेपी कर रही है, जो सीबीआई ईडी जो भी जांच कराना है हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो कराए, जिनको बुलाना चाहते हैं वो बुला सकते हैं, देश से नेता चुन चुन के लेके आए। आप ये बात कैसे कह ले रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज ही आपकी सरकार ने याचिका लगाई है रोकने के लिए और आप कह रहे हैं कोई भी आए कोई भी जांच करे हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों बात में विरोधाभास है। पार्टी की प्रवक्ता जो कह रही है और सरकार जो कुछ दिल्ली में कर रही है, दोनों में विरोधाभास। हम तो कॉपरेट कर रहे हैं बीसीबीआई के साथ, हमने कॉपरेट किया नहीं है क्या? हमने कब बोला कि सीबीआई को हम कॉपरेट नहीं करेंगे, ईडी को कॉपरेट नहीं करेंगे, आईटी को कॉपरेट नहीं करेंगे? तो ये तो सहयोग ही हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है? हमने आगे विरोध किया है कि हमने मार्च, हमने प्रोटेस्ट रैली निकाला है क्या सीबीआई के खिलाफ? हमने धरना दिया है क्या सीबीआई के खिलाफ? तो आप इससे ज्यादा सहायता और क्या बोल सकते हैं? क्या कैसे सहायता कर सकते हैं पार्टी और? नहीं, मैंने तो आपको केवल इसलिए कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका लगाई है कि सीबीआई को जो है इस पे जांच करने से रोका जाए, इसलिए मेरा सवाल है कि आप कह रही हैं कि स्वागत है, वो जो करना चाहते हैं हम सहयोग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि इनको जांच करने से रोका जाए, तो दोनों बात में विरोधाभास है कि नहीं है? ये आपका इनकार है अपनी सरकार के इस फैसले के साथ में, तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार के इस कदम के साथ नहीं है, ऐसा क्या उनकी जिम्मेदार प्रवक्ता कहना चाहती है कार्यक्रम में? जी सुनाई नहीं दिया आपका क्वेश्चन, मैं फिर से दोहराता हूं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज याचिका लगाई है कि सीबीआई को कोयला घोटाले के संदर्भ में जांच करने से रोका जाए, हमने इसकी अनुमति 2 साल पहले वापस ले ली थी, इसलिए जांच ना करने दी जाए। आपसे जानना है कि राज्य सरकार जो पश्चिम बंगाल की है उसकी इस मांग का, उसके इस कदम का क्या जुई विश्वास जी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते विरोध कर रही है और कह रही है कि सीबीआई को जो करना है करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम जो सहयोग हो सकता है करेंगे, ये सवाल। हम तो दायर किए हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हम याचिका दायर किए हैं, लेकिन जब तक वो केस का डेट सुनवाई सामने नहीं आता तब तक तो कॉपरेट करना पड़ेगा, तब तक कॉपरेट कर रहे हैं हम लोग, तब तक कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सीबीआई की जांच का मसला है इससे नतीजा क्या निकलेगा केस के संदर्भ में उसका तो पता नहीं है, पर राजनीतिक दृष्टि से इसके नफा नुकसान के आंकड़े इस समय विनोद अग्नित्री जैसे पत्रकार पर्याप्त लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर यह देखने की कोशिश कर रही हैं कि हम कितने बड़े विक्टिम हो जाएं या हम कितनी आसानी से सामने वाली पार्टी को कटघरे में खड़े कर पाएं। प्रदीप माथुर जी का मानना है कि कुल मिलाकर यही तौर तरीका वर्तमान में केंद्र सरकार का है, इसलिए इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा इस पर दिलचस्पी हम सबकी बनी रहेगी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो बात की जा रही है कि राजनीति में ये कैसा हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, तो इस देश के बड़े मशहूर शायर हुए हैं राहत इंदौरी जी, अब हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनके शेर हमारे बीच में हैं। उन्होंने एक बड़ा कमाल का शेर कहा था, वो शेर वर्तमान घटनाक्रम पर बड़ा मुफीद है। उन्होंने कहा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो ये जो जंग चल रही है राजनीति की ये भरपूर ही रहेगी, तो इसलिए चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों को तैयार रहना चाहिए, जंग इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। लेकिन इस जंग का नतीजा क्या होगा इसके लिए हमें शायद मई तक इंतजार करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।